वेलकम टू चट्ठा मीठा। आज की रेसिपी है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा यूँ तो हर मौसम में ही अच्छा लगता है, मगर सर्दियों में गाजर के हलवा की बात ही क्या है। तो भाई, जिन्हों जिन्होंने गाजर का हलवा अब तक नहीं बनाया है, मेरी रेसिपी देख के ज़रूर बना लें, और जिन्होंने बना भी लिया है वो भी बना लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने से पहले जो है गाजर लेना है और उसे अच्छे से वॉश करना है, क्लीन करना है, उसे कद्दूकश कर लेना है। तो हमने 2 केजी गाजर लिया है, 2 केजी गाजर को अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। चलिए जी, अब बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमने बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें 8 टेबल स्पून के करीब जो है देसी घी डाल दिया है, और उसमें 1 टुकड़ा सिनेमन, वैसे ही 4 से 5 ग्रीन इलायची, छोटी इलायची डालेंगे, और वैसे ही 5 से 6 लौंग डाल के थोड़ा सा जो है उसका एरोमा घी में आ जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे घिसा हुआ गाजर। और गाजर डाल के इसको भूनेंगे। जब गाजर को हम ऐसे ही भून लेंगे घी में, तो इसका जो हलवा बनेगा बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और बहुत ही ज़्यादा सोंधा बनेगा। अब जो है गाजर को इसी तरह से हम 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे। और देखिए, बहुत मैं फुल फ्लेम पे भून रही हूँ, हाई फ्लेम पे, क्योंकि मैं लकड़ी के चूल्हे पे बना रही हूँ। और जब ये अच्छे से भून जाएगा, 6 से 7 मिनट तक अच्छे से भून जाएगा, तो इसमें हम डालेंगे दूध डालेंगे। तो दूध जो है जितना गाजर है उतना ही है। तो 2 केजी गाजर में है 2 लीटर दूध डाल रहे हैं, और फुल मिल्क डाल रहे हैं। अगर आपको फुल क्रीम मिल्क नहीं मिले तो आप जो है 2.5 से 3 लीटर दूध डाल दीजिए, क्योंकि हम जो है इसमें कोई कंडेंस मिल्क नहीं डालेंगे, ना ही इसमें मावा खोया डालेंगे। बस जो है दूध, गाजर और चीनी से सिर्फ हलवा बनेगा और घी रहेगा, और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार। आपको फील नहीं होगा कि इसमें आपने खोया नहीं डाला है या फिर आपने कंडेंस मिल्क नहीं डाला है, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनेगा। पहले जो हमारी दादी नानी लोग बनाती थी हलवा, तो कहाँ कंडेंस मिल्क और खोआ ये सब डालती थी, बस दूध है और गाजर है बस बना देती थी, और इतना जायकेदार होता था। एक तो लकड़ी के चूल्हे पे बनाती थी तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, ऑर्गेनिक बिल्कुल हो जाता है। तो मैं वैसे ही आज बना रही हूँ, लकड़ी के चूल्हे पे बना रही हूँ, और जो है दूध और गाजर डालूँगी और घी से बस भूनूँगी। इसको थोड़ा टाइम लगेगा भूनने में, अगर आप गैस के चूल्हे पे भूनेंगे या इलेक्ट्रिक वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर इसमें बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इस तरह से जो है भूनना है, जब तक कि दूध अच्छे से दम सूख जाएगा, तो खूब देर लगेगा भूनने में, मगर जो है बहुत ही जायकेदार ये हलवा रेडी होगा। अब जो है देखिए, दूध उबलने लगा है। इसको ऐसे भी, गाजर तो ऐसे ही बहुत ही फ़ायदेमंद है, ऊपर से जो इसका हलवा बन जाता है तो और भी ज़्यादा एक तो लजीज़ हो जाता है, और बहुत ज़्यादा आदमी खा लेता है। गाजर तो इतना ज़्यादा नहीं खा पाएगा, हलवा बना के खाएगा। बच्चे सभी को बहुत पसंद है, इसको स्टोर करके आप रख भी सकते हैं। ये बना के आप 1 से 2 महीना तक रख सकते हैं फ्रिज में। अब जब ये अच्छे से भुन गया है, तो इसमें हम 3 कप चीनी डाल दें, 1/2 केजी के करीब चीनी जाएगा इसमें।
हलवा में थोड़ा ज़्यादा चीनी जाता है तो उससे ख़राब नहीं होता है। अगर आप कम खाते हैं तो थोड़ा कम कर लें। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालना है तो हमने ड्राई कोकोनट्स डाल दिया है, घिसा हुआ भी डाल दिया है, बड़ा बड़ा कट करके भी डाल दिया है, और काजू है, बादाम है, किशमिश है, और ड्राई डेट्स है, खुरमा या जिसको छुहारा कहते हैं। अब जो जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप डाल दें, और डाल के बस भूनना है तब तक जब तक जो है एकदम मावा और गाजर सब मिक्स हो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा, खुशबू इतनी प्यारी आने लगती है, तो गाजर का हलवा रेडी आपका हो जाएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऊपर से हम इसमें जब रेडी होने लगेगा तो 5 टेबल स्पून के करीब घी डाल देंगे। लास्ट में घी डालने से एक तो घी का फ्लेवर रह जाता है और गाजर का हलवा ख़राब जल्दी नहीं होगा। तो डाल दिया, डाल के बस भून लिया, अब देखिए बिल्कुल ये रेडी हो गया है। तो आप इसे लाइक कर दें इस वीडियो को।